आज देखा जाए तो टीम का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा वो काफी अच्छा रहा। जब भी हमें प्लेंटिकॉन में मिला हम लोगों ने अच्छा गोल किया और फील्ड गोल भी मारे हैं काफी अच्छे, बट फिर भी हमें और भी काफी चांसेस मिले बट वो मिस हुए। बट ओवरऑल देखा जाए तो गेम काफी अच्छा था, सभी पूरे प्लेयर्स ने 100% दिया क्योंकि सभी को पता है ये मैच काफी क्रूशियल है हमारे लिए क्योंकि पूल टॉप करने के लिए। तो ओवरऑल अच्छा रहा मेरे हमारा बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोगों ने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था हम लोगों ने चाइना के साथ बहुत एक ईजी गोल किया था, उसके बाद कोच का यही मानना कि अगर हमारी डिफेंस अच्छी रहेगी तो हम आगे भी गोल कर सकते रहे। तो पहले मैच के बाद हम लोगों ने डिफेंस के ऊपर काफी काम किया कि हम लोग ओपोनेंट को कैसे रोक सकते हैं, और स्पेशली हमें पता था कि पाकिस्तान काफी स्किलफुल प्लेयर्स हैं उनके पास तो उनको कैसे ब्लॉक कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं है, एंजॉय करेंगे क्योंकि यही करते हैं और जो क्राउड का सपोर्ट है वो काफी फैंटास्टिक है और काफी मजा आ रहा है यहाँ पे खेलने के लिए, और यही रहेगा कि हम लोग जो आज के मैच को भी ओवरऑल देखेंगे कि हमें हम कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं और सेमीफाइनल के लिए रेडी रहेंगे। बिल्कुल देखे रहे एशियन गेम्स के लिए तैयारी काफी अच्छी जा रही है आपके सामने क्योंकि हम लोग उसको देख के आगे जा रहे हैं कि हाँ कि हम लोग को यही टीमें आगे वहाँ पे भी मिलेंगी तो हमें उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस देनी है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खेलेंगे डेफिनेटली दूसरी टीम के ऊपर कहीं ना कहीं वो दबाव बना रहेगा कि जब हम लोग एशियन गेम्स में खेलेंगे उनके साथ। बिल्कुल सर, ओवरऑल अच्छा रहा मैच, आई थिंक नॉट मी, मेरी बात नहीं करूँगा मैं क्योंकि आई थिंक सबकी एफर्ट है उसमें कि हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं इतने चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि आपने टीम में कितना स्मार्ट रहना है, तो एटलीस्ट गोल ऑन शॉट और पीसी ले रहे हैं, अच्छे पासिस खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पे आता है जो पुश कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, देन फ्लिक कर आता है, तो बहुत अच्छा रहा है गेम सर ओवरऑल, और टीम का एफर्ट बहुत अच्छा था।